मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, सुबह सुबह की राम राम। सबसे पहले तो हम एक महान ऋषि महान मनीषी को याद करते हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते हैं। आज उनकी जयंती है। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, वो बहुत विद्वान हैं। उनको वेद उपवेद वेदांत इन तीनों का अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो रामचरितमानस उन्होंने लिखी है और दूसरा हनुमान चालीसा। इन दो चीज़ों के लिए उन्हें बहुत याद किया जाता है। वैसे विनय पत्रिका भी उन्होंने ही लिखी है, बजरंगवाण भी लिखा है। तो राम जी के एक बड़े उपासक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिष्ठित हैं। रामायण लिखी किन्होंने? वाल्मीकि ऋषि जी ने। और रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जीवन में बहुत संघर्ष के बाद, बहुत उपहास के बाद, लेकिन पूरी दुनिया ने उनके गुणों को प्रणाम किया और आज तक नतमस्तक है। आपको पता है उनका जन्म कब हुआ? 1497 में। और उन्होंने शरीर कब त्यागा? 1623 में। तो 1497 में उनका जन्म होता है। बहुत पढ़ते लिखते हैं वो एक महान साहित्यकार हैं, एक महान योगी हैं और रामचरितमानस के लेखक हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए आज सूर्य का सिंह राशि में जो प्रवेश है, इसका हमारे तन मन धन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी सारी बातचीत तो होगी ही होगी, तो फटाफट नोट कीजिए अपना और अपनों का हाल। लगभग 30 दिन सूर्य सिंह राशि में रहने वाले हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है और क्या विशेष करना है ये जानिए। मेष राशि के लोगों के निज संबंधों में दिक्कत आ सकती है। यदि आप विवाह करने वाले हैं या किसी से प्रेम प्रसंग में हैं, तो आपको अधिक ध्यान रखना होगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें सब लोग जिनकी मेष राशि है, वो भोजन बहुत सादा लीजिएगा और रात में बहुत गरिष्ठ भोजन मत लीजिएगा, पित्त बन सकता है। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए, ओम सूर्याय नमः का जप करिए और अपने काम पर जुटा कीजिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, अपनी माता और मित्रों का थोड़ा सा ध्यान अधिक रखना होगा, लेकिन यह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। यह आपके अंदर उत्साह देगा, साहस देगा और आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। आप एक छोटा सा उपाय करते रहिएगा, आप माँ दुर्गा को याद करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, खासतौर से वो लोग जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, वह लोग अति उत्साह में किसी को अपने राज ना बतावें। मिथुन राशि, दौड़ भाग बहुत होने वाली है इन 30 दिनों में और उन दौड़ भाग का बहुत अच्छा नतीजा तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आप दौड़ भाग करते रहिएगा। वैसे समय आपके लिए अच्छा है, भाग्य को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जोश के साथ इन 30 दिनों का उपयोग कीजिए। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भावावेश में बहके या अति उत्साह में आके आप कहीं पैसा ना लगा दें, बाकी सब ठीक है। कर्क राशि, बस जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है, धैर्य। अगर आपने धैर्य धरा तो निश्चित रूप से लाभ होगा, विद्वता बढ़ने वाली है और साथ ही साथ इन 30 दिनों में आपको कोई अच्छा उपहार, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रशस्ति आदि मिल सकती है। तो जम के मेहनत कीजिए, 15 सितंबर तक आपका समय अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। और बस उतना ध्यान जरूर रखिएगा कि क्रोध पर आपका नियंत्रण रहे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रहे और नई मित्रता जोड़ने में बहुत सावधानी रखें। उपाय क्या करते रहेंगे? आप शिव जी का अथवा दुर्गा जी का जप करते रहिए और जब मौका मिला करेगा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लिया कीजिए। सिंह राशि के लिए यह अच्छा समय है, जोश रहेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जोश कुछ ज्यादा ही रह सकता है, आत्मविश्वास अति का हो सकता है और यह आपके गिरने का बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए इन 30 दिनों में आप बहुत शांत रहें
और लगातार धीरे धीरे प्रसन्न मन से लोगों के कल्याण भलाई के कार्य करते रहें और अपना भी विकास उन्नति करते रहें। अगर आप सकारात्मकता छोड़ देंगे तो यह सूर्य आपको नुकसान देगा, ये तय है। इसलिए सकारात्मक रहिएगा, एक उपाय जरूर करते रहिएगा, लोगों को अपने हाथ से जल जरूर पिलाइएगा और खुद भी जल खूब पिया कीजिएगा, देखिएगा चीजें ठीक होंगी। कन्या राशि के लिए ये 30 दिन बहुत संभल के चलने वाले हैं, खासतौर से धन और शत्रुओं को लेकर। शत्रु अचानक बढ़ सकते हैं, धन कहीं जा सकता है, कोई बड़ा खर्च आ सकता है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है, जबरदस्ती कुछ मत खरीदिएगा। और दूसरी चीज, आप हर रविवार को, लगभग 4 रविवार पड़ेंगे, इन हर रविवार के दिन आप अनाज का दान जरूर कर दिया कीजिए, बस प्रभु जी सब ठीक रखेंगे। और अब एक परवरिश टिप, यदि बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, वो थकन महसूस कर रहा है और उसको हल्का सा बुखार आ रहा है, तो एक काम कीजिए, पहली चीज़ तो आप चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा और दूसरी चीज़ ये देखिएगा उसकी जीभ सफ़ेद तो नहीं हो रही है, मोटी तो नहीं हो रही है, उस पर मैल तो नहीं जम रहा है। यदि ऐसा है तो बच्चे से कहिएगा कि वो अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ करे, और दूसरा उसका भोजन बहुत हल्का कर दीजिएगा, चाय कॉफ़ी का सेवन वो एकदम कम कर दे, पकौड़े शकौड़े पराठा वराठे का सेवन भी वो बहुत कम कर दे, और जल अधिक पिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिन में 5-6 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पी ले। 2-3 दिन के अंदर वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा, लेकिन चिकित्सीय सलाह ज़रूर ले लें। अब मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि के आज का हाल। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, नई चीजें जुड़ सकती हैं, नए लोग भी आपकी जिंदगी में जुड़ सकते हैं, पार्टनरशिप से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जम के कार्य कीजिएगा, बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन किसी को अपनी कीमती चीज देने से पहले अच्छे से सोच समझ लें। उपाय क्या करना है, आप मसाले का दान कीजिए और दिन को सुख से काटिए। वृषभ राशि, आप अपने पेट पीठ का ध्यान रखें, कोई आपके एकदम करीब में आके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है, आप गुस्सा ना करें, बस अपने इर्द गिर्द लोगों पर निगाह रखें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 फलों का दान जरूर कर दें। मिथुन राशि, धन की कमी से जूझना पड़ सकता है और हो सकता है किसी से मनमुटाव हो जाए या वाद विवाद हो जाए, कंट्रोल कीजिएगा। सावधानी एक बरतनी है, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का, अपने वाहन का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए जौ का दान जरूर कर दीजिए अथवा जौ के आटे का दान कर दीजिए। कर्क राशि, जो बोले वो बहुत तोल मोल के बोले, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के दिन आपके लिए ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने जीवन साथी का, बच्चों का और घर के बुजुर्गों का ख्याल जरूर रखें। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु साहब ठीक करेंगे। एक व्यथा लेते हैं, एक माँ की व्यथा अपने बेटे के प्रति। 8 जनवरी 2009 डेट ऑफ बर्थ है, 6:45 जमशेदपुर में इस बच्चे का जन्म हुआ है, और वो कहते हैं उसे कन्वर्जन डिजीज़ है, फिट्स आते हैं, क्या करें, आगे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप 2-3 उपाय करेंगे, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। चिकित्सीय सलाह तो आप लेते ही रहिएगा, साथ साथ एक नीले रंग के धागे में एक अश्वगंधा की जड़, छोटी सी जड़, और एक सफ़ेद चंदन का पेंडेंट इनके गले में शनिवार को पहना दीजिएगा। दूसरी चीज़ यह है, इस बच्चे के हाथ में एक चांदी का कड़ा हमेशा पहने ही रहिए, और जब स्कूल जाए, क्योंकि अभी छोटे हैं, तो जब ये स्कूल जाया करें तो उसे उतार दिया करें, और घर पर लेकिन वो हर वक्त पहने रहें। चांदी के गिलास में ही इस बच्चे को पानी आप दिया करें, और इस बच्चे को शाम को बहुत तेज़ी से दौड़ाने का एक कार्यक्रम ज़रूर बना के रखें। ये दौड़ने जाया करें, जितना खेलेगा, जितना दौड़ेगा, उतनी ही इसकी हेल्थ बेहतर होगी। और सुबह 5-7 मिनट, बस इतना ही कह रहा हूँ, इसको अनुलोम विलोम करा दिया कीजिए, या गहरी श्वास प्रश्वास क्रिया करा दीजिए, किसी योग गुरु से ये सीख लें, और वो गहरी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ये सुबह को 5-7 मिनट करना शुरू कर दें, आप देखना इनको कितना ज़्यादा फायदा होगा। भोजन में
इनको दिन में एक बार शिमला मिर्च ज़रूर दे दिया कीजिए और हल्का भुनी हुई भिंडी भी, एक भिंडी कचर कचर करके ये खा लिया करें। बस इतना सा ये उपाय करें, बाकी फिट रहेंगे, ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं आज सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियाँ क्या कह रही हैं आपसे। सिंह राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है, जम के काम कीजिए, आपको मेहनत से लाभ होगा। बस एक सावधानी रखिए, अपना धैर्य मत छोड़िएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, चावल का दान जरूर करिएगा। कन्या राशि, ये समय अनुकूल है, जम के मेहनत करें, आगे बढ़ने के आपको अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जल्दबाजी में अपने निजी संबंधों में कोई परेशानी पैदा मत कीजिएगा, सावधानी रखिएगा। इस दिन शक और वहम से दूर रहें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप कुछ मसालों का दान जरूर कर दीजिएगा किसी जरूरतमंद को। तुला राशि, इस दिन थोड़ा गंभीरता स्वभाव में रखिएगा, ये दिन अच्छा है, इसका सदुपयोग करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, अपने घर के लोगों का ध्यान रखिएगा, अपने बहन भाई माता पिता का ध्यान रखिएगा और एक ये उपाय कर लीजिएगा, इस दिन ओम राम राहवे नमः का जप करें, उसके बाद अपने काम पर जुटें, रोजी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, इस दिन दुश्मन बहुत सक्रिय हैं, अपने धन का भी बहुत ध्यान रखिएगा, एक सावधानी, इस दिन वाहन चलाते वक्त थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपको कच्ची सब्जी का दान करना है। जानते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक पर सूर्य का सिंह में जाने से तन मन धन पर आपके क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि, आपको इन 30 दिनों में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, खासतौर से यदि आपको कोई मानसिक समस्या रहती है, कफ की समस्या रहती है, नसों की समस्या रहती है, तो इन 30 दिनों में आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोई इन्फेक्शन रहता है तो भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लाभ मिल सकता है यदि आप अनुकूल क्षेत्र में काम करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। निज संबंधों में कहीं दरार उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ध्यान रखें। आपको अपने बहन भाइयों का भी बहुत ध्यान रखना होगा, घर के बाकी लोगों का भी बहुत ध्यान रखना होगा। उपाय करते रहिएगा, थोड़ी देर ध्यान कीजिए सूर्य के सामने बैठ के, और रविवार के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ों के साथ कुछ अनाज रखकर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे दें। वृश्चिक राशि, आपके लिए ये समय अच्छा है, अनुकूल है, आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, खासतौर से 25 अगस्त के बाद से जो आपका समय शुरू होगा उसमें आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और रुके हुए कार्य भी आपके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य को लेकर, अपने पिताजी के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक उपाय करते रहिएगा और ये उपाय होगा कि रोज़ाना एक नीला पुष्प, एक महीने तक रोज़ाना नीला पुष्प बहते हुए जल में ज़रूर प्रवाहित कर दें। यदि आपको सामाजिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही हो तो ये उपाय ज़रूर कर लें। धनु राशि, आपके भाग्य को खोलने वाला ये समय सिद्ध होगा, आगे आने वाले 30 दिन बहुत अच्छे हैं, आप धन भी अच्छा कमा सकते हैं, किसी पढ़ाई लिखाई में भी आप बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रमोशन आदि की कोशिश करने से लाभ भी आप उठा सकते हैं, तो जम के आप मेहनत करें, लाभ होगा। देर सवेर हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लाभ होगा। एक उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा, वो उपाय यह है कि थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा कुछ लोगों को आप ऐसा दुश्मन बना लेंगे जो आपका अहित कर बैठेंगे। और दूसरी चीज़ आपने जो करनी है वो ये है कि हर रविवार के दिन आप दूध और अनाज का दान अवश्य कर दिया करें। मकर राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करने से आपको बहुत लाभ होगा, यद्यपि धन में थोड़ी सी कमी आती नजर आ रही है, इसलिए इन 30 दिनों में धन बहुत सोच समझ कर खर्च करें, खासतौर से कोई रिस्क उठाने का जब मौका आता है तो बहुत सोच समझ कर रिस्क उठाइएगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। उपाय कर लीजिएगा तो ठीक होगा। आप रोज़ाना सूर्य के सामने बैठ कर गायत्री का यदि जप कर लेंगे अथवा यज्ञ कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध होगा। कुंभ राशि को अपने घर गृहस्थी का इन 30 दिनों में बहुत ध्यान रखना होगा, मित्रता और पार्टनरशिप का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वैसे समय प्रतिकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा संघर्ष जरूर पैदा करेगा, खासतौर से यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं धन लगाकर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उपाय करते रहिएगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए और रोज़ाना गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दे दिया कीजिएगा, तो जब्ती करेंगे। मीन राशि, अच्छा समय है, अनुकूल समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए आप, बहुत सारे दुश्मन जो आपकी राह में खड़े हो रहे थे वो नहीं खड़े हो पाएंगे, आगे बढ़ने के आपको अच्छे चांसेस मिलेंगे, खूब मौका मिलेगा आपको आगे बढ़ने का,
इसलिए जम के काम कर डालिए, इन 30 दिनों में आपको लाभ हो जाएगा। कुछ उपाय कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और दूसरा कार्य आप रोज़ाना एक फल किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे दीजिएगा 30 दिनों तक, और ये फल सेब हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब फटाफट नोट करिए आज के शुभ अशुभ समय। पहले अशुभ समय मैं बता रहा हूँ, दो मुहूर्त लिखिए। दो मुहूर्त काल होगा सुबह 6:47 से 7:39 तक। गोलिक काल रहेगा 5:55 से 7:32 तक सुबह। यमगण काल रहेगा दोपहर में 2:02 से 3:39 तक। और राहु काल रहेगा 9:10 से लेकर 10:47 तक। अब शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:58 से लेकर 12:50 तक। और अमृत काल रहेगा सुबह 8:08 से लेकर 9:48 तक। इस अनुसार अपना दिन प्लान कीजिएगा। और अब जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल आज के लिए। धनु राशि, आलस्य की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आप सरकही ना या लेट पहुंचे। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा, अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा। मकर राशि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का सहयोग मिल सकता है, पिताजी के सहयोग से या अपने दादाजी के साइड के सहयोग से आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है। बस एक सावधानी जरूर बरतनी होगी, इस दिन ठंड से थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा, कहीं कफ ना बढ़ जाए या गले में कोई दिक्कत ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, गलत डिसीजन आप ले सकते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, बहुत ध्यान रखिएगा। एक सावधानी और बरतनी है, इस दिन अपनी मित्रता को शत्रुता में परिवर्तित मत कर बैठिएगा, इसलिए बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल रखिए इस दिन। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप गौ माता की सेवा करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत अच्छा दिन ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आपको कोई अच्छा सा सरप्राइज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुल मिला के समय है अच्छा, निश्चिंत रहें। बस थोड़ी सी सावधानी, और इस दिन की सावधानी है, यदि आप पानी या करंट पे काम कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपको ओम नमः शिवाय का जप या ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य करना है, बिल्कुल ध्यानस्थ होकर जितना भी समय आपके पास हो उतनी देर, और फिर काम पर जुट जाना है। अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आप लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अब मैं बताता हूं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। भाई बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं आप, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बस लगातार आपको मेहनत करनी होगी। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जीवन में कोई नया अध्याय तो जुड़ सकता है, लेकिन नए रिश्ते जोड़ते वक्त आप बहुत केयरफुल रहिएगा, नहीं तो आगे जाके आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से सोच समझकर दिमाग से काम लेकर नए रिश्ते जोड़िएगा। वैसे कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है, नई नौकरी, घर, परिवार, रिश्ते आदि, इन सब के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, अक्टूबर से लेकर जून 2019 के बीच में भाग्योदय हो सकता है, तो आगे बढ़िए, सब अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक। जयपुर से श्री वीरेंद्र जी पूछते हैं अपनी बिटिया दिव्यांशी के लिए, 22 मार्च 2012 जयपुर, 16:22 इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय स्वस्थ थी, लेकिन 2012 में एक टीका लगवाया, उसके बाद इनको फिट्स पड़ने लगे और तब से हेल्थ भी इनकी ठीक नहीं रह पा रही है। 2014 में अचानक तबीयत बहुत ख़राब हुई और बच्ची का चलना बोलना सब बंद हो गया, दिमागी रूप से भी वो एकदम पीछे हो गई, लेकिन यद्यपि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी क्या करें। लिखे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन हाँ 2021 दिसंबर तक आपको बहुत धैर्य धरना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। 2-3 काम करना शुरू कीजिए। पहला कार्य तो यह है कि हर मंगलवार इस बच्ची के हाथ से मसालों का दान करा दिया कीजिए। दूसरी चीज़ है सफ़ेद रंग में
लाल में नहीं सफेद रंग में अनंत मूल की जड़ को इनके गले में पहना दीजिएगा किसी मंगलवार के दिन। तीसरी चीज जो बहुत आवश्यक है, रोजाना उड़द के 5 दाने इनके हाथ से हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया की करें, और जितना भजन पूजन ये कर सकते हैं, जो भी ये कर सकें, 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी है वो करके फिर वो 5 दाने इकट्ठे करते रहिए। जब कटोरी आपकी भर जाए तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा, लेकिन भिखारी को नहीं देना है, श्रमिक को देना है, मजदूर को देना है। ये आप काम करना शुरू करवा दीजिए इनके हाथ से। इनको लाल कपड़े कम से कम पहनाएं, सफ़ेद कपड़े अधिक से अधिक पहनाएं, पीला जो तीखा पीला होता है वो भी कम ही पहनाएं तो अच्छा है। हाँ, हरा पहना सकते हैं, काला अवॉइड करेंगे, नीला अवॉइड करेंगे, बाकी कोई रंग ये पहन सकते हैं। तो लाल, तेज़ पीला, काला और नीला, ये रंग ये नहीं पहनेंगे, बाकी ये कुछ पहने। मुझे पूरी उम्मीद है चीज़ें ठीक होंगी, ज़्यादा तनाव लेने की तो आवश्यकता नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ा धैर्य धरना पड़ेगा। और इनके जन्मदिन वाले दिन इनकी माता जी के हाथ से इनके गले में एक चांदी की चेन ठोस गोली के साथ ज़रूर पहना दीजिएगा। ठीक, सब ठीक होगा, आप चिंता मत करिए। और अब आज का एक खास विचार। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि पहले 5 साल अपने बच्चे को बहुत प्यार से रखिए, उसके अगले 5 साल अपने बच्चे को थोड़ा सख्त करके रखें, यानी थोड़ा डांट डपट के भी रखें, फिर जब वो 16 साल का हो जाए तो उसे अपने मित्र की तरह रखिए। एक वयस्क बच्चा अपने माता पिता का सबसे अच्छा मित्र होता है, इतनी अद्भुत बात है परवरिश के लिए। तो चलिए, आपका दिन बहुत अच्छा हो, मैं विदा लेता हूँ, और आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें भी। राम राम, नमस्कार, और बोलिए भारत माता की जय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।